Assalamu alaikum students, how are you? I hope you all are very good. Okay students, we will start our today's lecture. Okay students, now we will start our today's lesson. That boy seemed very happy. वो लड़का बहुत खुश नजर आ रहा था. The fun of camping out had made him forget that he was a captive. अब जो कैंप लगाने का जो मरहला था उसमें ये भूल गया था कि वो एक कैदी है. ही इमिजिएटली नेम्ड मी स्नेक आई द स्पाई एंड अनाउंस दैट आई वाज टू मीट माय एंड इन द नेक्स्ट डे. उसने फौरन मुझे जासूस सांप की निगाह रखने वाले का नाम दिया और ऐलान किया कि तुम जल्द ही अपने अंजाम को पहुंचोगे. देन वी हैड सफर का मतलब होता है रात का खाना. एंड ही फिल्ड हिज माउथ फुल ऑफ मीट्स मीट ब्रेड एंड ग्रेवी एंड टॉक्ड. उसके बाद उसने अपना जो मुंह था उसको गोश्त रोटी. उसके बाद हमने रात का खाना खाया और उसने अपना जो मुंह था वो गोश्त रोटी और ग्रेवी के साथ, यानी कि ग्रेवी होता है मसाला, के साथ भर लिया और बातें करता रहा. हिज स्पीच वेंट समथिंग लाइक दिस. उसकी जो स्पीच थी, यानी कि जो उसका बोलना था, जो गुफ्तगू कर रहा था, वो कुछ इस तरीके से थी. आई नेवर कैंप्ड आउट बिफोर. मैंने कभी पहले खैमे में रात नहीं गुजारी. इट्स फन, ये बहुत मज़े का आया है. बट आई हैड अ पेट वंस. मेरे पास एक पालतू था पहले. एंड आई वॉज 9 लास्ट बर्थडे. मैं पिछले साल पर 9 साल का था. एंड देयर एनी रियल रेड इंडियंस इन दीज वुड्स. क्या सच में इन जंगलात में कोई रियल इंडियंस भी रहते हैं, रियल इंडियंस हैं? आई वॉन्ट सम मोर ग्रेवी. मुझे कुछ और मसाला दो. डू द मूविंग ट्रीज मेक द विंड ब्लो. क्या ये हरकत करते हुए दरख्त हवा को हिलने में मदद देते हैं, हवा को चलने में मदद देते हैं? वी हैड 5 पपीज. हमारे पास 5 पालतू हैं. वट मेक्स योर नोज सो रेड. हैंग तुम्हारा नाक इतना सुर्ख क्यों हुआ हुआ है? माई फादर हैज़ लॉट्स ऑफ मनी. मेरे अबू के पास बहुत सारा पैसा है. आर यू द स्टार्स हॉट. क्या तुम आर द स्टार्स हॉट. क्या सितारे गर्म होते हैं? डू ऑक्सन मेक एनी नॉइस. क्या हवा शोर मचाती है? वाई आर ऑरेंजेस राउंड. माल्टे गोल क्यों होते हैं? अ पैरट कैन टॉक बट अ मंकी एंड और फिश कैन कॉन्ट. एक तोता बोल सकता है लेकिन मंकी और यानी कि बंदर और मछली नहीं बोल सकती. ठीक है, अब ये वो बता रहा है कि जो खाना खाते वक्त, जब वो रात का खाना खा रहे थे और खाना खाते वक्त उस बच्चे के जहन में खाना खाते वक्त उसके क्या वो क्या बातें कर रहा था, किस तरह की वो गुफ्तगू कर रहा था. अब जाहिर सी बात है वो 10 साल का था तो उसके माइंड में छोटे छोटे यही क्वेश्चंस आ रहे थे कि अच्छा, अब जिस तरह से आमतौर पे बच्चे करते हैं वो भी वैसे ही कर रहा था कि मेरे पास 5 पपीज़ हैं, मेरे फादर बहुत अमीर हैं, मेरे पास जैसे मुझे कुछ और जो है वो खाना दो. तो उल्टे सीधे सवाल जैसे छोटे बच्चे करते हैं वो इस तरीके से क्वेश्चंस कर रहा था. एवरी फ्यू मिनट्स ही विल्ड रिमेंबर दैट ही वॉज रेड इंडियन. वो हर कुछ मिनट के बाद उसे हर कुछ मिनट के बाद याद आ जाता कि वो रेड इंडियन है. एंड विल्ड लेट आउट आ वॉर वॉप दैट मेड ओल्ड हैंक शिवर. वो ऐसा जंगी नारा लगाता जिससे ओल्ड हैंक कांपता. इसे लड़के हर 5 मिनट बाद इसे याद आ जाता कि वो रेड इंडियन है और वो एक ऐसा जंगी नारा लगाता कि जो हैंक था वो कांप उठता. शिवर का मतलब होता है कांपना. दैट बॉय हैड बिल टेराइज्ड फ्रॉम द स्टार्ट. उसने बिल को शुरू से ही डरा के रखा था, दहशत में रखा था. तो ओके स्टूडेंट्स, आज के लिए आपका यहीं तक का टॉपिक है. आज आप लोगों ने यहीं तक जो है वो याद करना है. यहाँ पर आप लोग डेट लगा लें और आप लोगों ने इसकी रीडिंग करनी है और इसकी रीडिंग की वीडियो जो है वो आपने मुझे सेंड कर देनी है. टेक केयर, अल्लाह हाफिज़.